नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। आपका स्वागत करता हूं क्राइम फाइल्स के इस नए एपिसोड में। चल रहा है, एक टांग पे खड़ी रहे। 3 साल हुए शादी को, लेकिन अब तक मेरा सोना आंगन है। अगर पंकज की जगह कोई और होता ना, तो दूसरी बीवी ले आता और तुझे घर से बाहर निकाल देता। और यहाँ हम तेरे लिए हवन करें, देश के नाटक ही नहीं खत्म हो रहे। नाटक नहीं खत्म। माँ जी, मम्मी जी, सुबह से ना कुछ खाया है ना पिया, अब नहीं खड़ा हुआ चल रहा है। हाँ, मेरी बहू रानी को प्यास लगी है ना, रुक तो। मिर्ची का पानी ये लीजिए, मिठाई खाइए, मेरे हाथ से खाइए ना, और मीठी लगेगी। क्या कर रहे हो तुम्हें, तुम शर्म नहीं आती है? भाभी हूं मैं तुम्हारी। आपको देख के शर्म नहीं, सिर्फ प्यार आता। फालतू की बकवास करना ना बंद करो तुम। अच्छा सुनिए ना, अगर भैया से नहीं हो रहा है तो मुझे कहिए ना, बच्चा पैदा करना मुझे भी आता है। रोहित, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? भैया, मैं तो बस भाभी की तबीयत पूछने आया था। मैं चलता हूँ। मत करी, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। जब तक बच्चा नहीं होता ना, माँ हर रोज अलग अलग तरह के उपवास और हवन करवाती रहेगी। जो कुछ कर रहा हूँ तेरे लिए कर रहा हूँ, तेरी भलाई के लिए कर रहा हूँ। ज्यादा नाटक मत कर, समझी? अरे पंकज भैया, ये तो वही अनुज भैया ना जो आपकी क्लास में थे। हाय हाय, कैसे हो? एकदम बढ़िया। यहाँ कैसे, आप तो अमेरिका में थे। हाँ, बस वो जिस कंपनी में जॉब कर रहा था वो रातों रात बंद हो गई, तो मुझे यहाँ वापस आना पड़ा। आप फिक्र मत कीजिए, आपको अच्छी जॉब जल्दी मिलेगी, और वैसे भी आप तो स्कूल के टॉपर थे। लेट्स सी, आई होप सो। एक्चुअली मेरे टीम में मैं एक असिस्टेंट ढूंढ रहा हूँ, अगर तू कहे तो बॉस से बात करूँ। हाँ यार बिल्कुल, वैसे ही मुझे जॉब की बहुत जरूरत है। पंकज थैंक यू सो मच यार पूछने के लिए। थैंक यू छोड़, और आज शाम को खाने पे आ। पक्का जरूर। और आपको पता है भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती है। अरे फिर तो जरूर आना पड़ेगा मुझे। चलो मैं भी चलता हूँ। चलो बाय। पंकज भैया, आपकी तो अनुज भैया से बिल्कुल नहीं बनती, उनकी हेल्प क्यों कर रहे? कॉलेज में सबको लगता था कि अनुज लाइफ में सबसे आगे जाएगा, लेकिन अब मैं उसका बॉस बनूंगा और सबको पता चलेगा कि मैं उससे कितना आगे निकल गया। चल।
खाना बहुत ही अच्छा बना है। आप भी बैठिए ना, खाना खाइए हमारे साथ में। तुम्हारे अमेरिका में बहुएं साथ बैठकर खाना खाती होगी, हमारे यहाँ सबको खिलाकर बाद में खाती हैं। वैसे भैया आपका इंटरव्यू कैसा गया? इंटरव्यू तो बहुत ही बढ़िया था। पंकज, तुम्हारे ऑफिस के लोग और तुम्हारे बॉस, स्पेशली वो शर्मा जी, मतलब सब मुझे बहुत बढ़िया लगा। डोंट वरी, मैं रिकमेंड करूंगा तो नौकरी जरूर लग जाएगी तुम्हें। थैंक यू सो मच भाई। तुम्हारे घर वाले क्या है? तुम्हारी अम्मा भी तो गई थी ना तुम्हारे साथ अमेरिका? मैं अभी जो है वो दिल्ली में है भैया भाभी के साथ में। अब उनकी जॉब वहाँ पर है तो उनका इलाज भी वहीं पे चल रहा है। इलाज हो रहा है? क्यों, सब ठीक है ना बेटा? अरे नहीं नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। दरअसल भैया भाभी को ना काफी टाइम से बच्चा प्लान कर रहे हैं, लेकिन उनको थोड़ी प्रॉब्लम है उस वजह से, तो बस उनका इलाज चल रहा है उसी चीज का। तो तुम्हारी भाभी भांज है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल प्रॉब्लम भैया में है। बच्चा तो औरत पैदा करती है, मर्दों में कहाँ कमी रहती है भाई। एक्चुअली आंटी जी, माना के बच्चा औरत पैदा करती है, लेकिन बिना आदमी तो संभव नहीं है। अब कमी तो किसी भी हो सकती है ना, आदमी में या औरत में, लेकिन आजकल परेशानी की कोई बात है ही नहीं। अरे आजकल साइंस ने इतनी तरक्की जो कर ली है ना, हर चीज का इलाज जो है। लो, तुम्हारे ऑफिस से कॉल है। हेलो जी सर। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपको निराश होने का एक भी मौका नहीं दूंगा। श्योर सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मुबारक हो, कहा था नौकरी लग जाएगी। और हाँ, मैं ऑफिस में भले ही सबके लिए बॉस हूँ, तुम्हारे लिए भी, लेकिन तुम्हें सर कहने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आज ये कमाल हो गया, शर्मा जी ने मेरा एक्सपीरियंस देखते हुए मुझे असिस्टेंट की जगह सीधा मैनेजर की पोस्ट पर रख लिया। मतलब आप और भैया सेम पोस्ट पे? अरे वाह, कांग्रेचुलेशन। शर्मा जी ने मेरा एक्सपीरियंस देखते हुए मुझे असिस्टेंट की जगह सीधा मैनेजर की पोस्ट पर रख लिया। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? सर दर्द कर रहा है इसलिए गुस्से में हूँ। आइए हम आपका सर दबा देते हैं, बैठिए। वो हम सोच रहे थे कि हमें भी अनुज के भैया भाभी की तरह डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो हमारी बच्चे के लिए मदद कर सकते हैं ना। मुझ में कमी है हा? हमारा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब है तेरा हा? हमारा मतलब है कि कमी हमारे अंदर है, पर डॉक्टर की मदद से हम उस कमी का इलाज तो कर सकते हैं ना। ठीक है, कल तुम दोनों जाकर डॉक्टर से चेकअप करवा लो, लेकिन सुन, अगर डॉक्टर ने तेरे पांच मिनट का कोई इलाज नहीं बताया ना, तो तुझे ये घर छोड़कर तुझे जाना होगा। मम्मी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? जानती हैं मेरे घर वाले इस दुनिया में नहीं है, यही मेरा घर है और यही परिवार है, मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी? वो सब मैं नहीं जानती, तेरी वजह से मैं अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगी। मुझे इस घर का चिराग चाहिए बस। हेलो डॉक्टर, क्या रिपोर्ट भेजी आपने? इसमें लिखा है कि कमी मुझ में है। प्लीज शांत हो जाए मिस्टर पंकज, मैंने आपकी और आपकी वाइफ की रिपोर्ट दो बार चेक की है, आपकी वाइफ की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, आपके टेस्ट में प्रॉब्लम है। मतलब मैं बाप नहीं बन सकता? नहीं नहीं, आप घबराइए नहीं, आप दवा से ठीक हो सकते हैं। मुझे कोई दवाई ववाई नहीं खानी, पता नहीं कौन से कॉलेज ने आपको डॉक्टर बना दिया है, रिपोर्ट गलत है आपकी, समझे आप? मुझ में कोई कमी नहीं है। ये ले,
दही चीनी खा। आज प्रमोशन के लिए तेरी बॉस के साथ मीटिंग है ना, मुझे पूरा यकीन है ये प्रमोशन तुझे ही मिलेगा। क्यों हुआ? कोई बात है क्या? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। कुछ नहीं, बस वो डॉक्टर। वो डॉक्टर? बहू की रिपोर्ट में क्या आया बेटा? कुछ नहीं आया, डॉक्टर कह रहे हैं सब नॉर्मल है, कोई दवाई वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, बस कोशिश करते रहो, बच्चा हो जाएगा। तू क्या कर रही है यहाँ खड़ी रह के? जा करके काम कर। माफ कर दीजिए हम। क्यों? अब क्या किया तुमने? वो हम हमारे कहने पे डॉक्टर के पास गए और फालतू में इतने पैसे खर्च किए। हमें शक था कि हमारे अंदर कोई कमी है, पर हमारा विश्वास करिए, हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आपके अंदर कोई कमी होगी। नाराज क्यों हो रहे? अब ऐसी फालतू बातें करोगी तो नाराज नहीं होगा तो क्या होगा? मेरा मूड बिगाड़ दिया। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे पता नहीं से क्या हो रहा, स्टार्ट ही नहीं हो रही है, तो मैकेनिक को फोन कर रहा हूँ, उठा नहीं रहा है। ऐसे स्टार्ट करेंगे तो कभी नहीं होने वाले। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपको बाइक ठीक करनी आती है। हाँ, हमारे पिताजी मैकेनिक थे, हमने कई बार उनकी मदद की है। हम देखते हैं। क्या बात है राधिका, मतलब जितना कमाल का खाना बनाते हैं उतनी बेहतरीन आप बाइक भी ठीक कर लेते हैं। बस बस, अब ये झूठी तारीफें करना बंद करिए। अरे नहीं, मैं बिल्कुल भी झूठी तारीफ नहीं करता हूँ। इनफैक्ट मुझे तो ये लगता है कि आप जो चाहें वो हर काम कर सकते हो। जो भाभी को देखता है वो भाभी का दीवाना हो जाता है। अगर भाभी सिंगल होती तो ये अनुज भैया पक्का चांस मारते, उससे पहले कि अनुज भैया का नंबर लग जाए। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। भैया का फोन, शायद नहाने गए। मेरा शक सही था। रोहित, ये तू पंकज के मोबाइल में क्या देख रहा है? माँ, ये बोलो और ये देखो, डॉक्टर की रिपोर्ट। भाभी की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन भैया आप नहीं बन सकते। नहीं नहीं रोहित, ये रिपोर्ट गलत है। अगर ऐसा कुछ होता ना तो पंकज मुझे जरूर बताता। नहीं नहीं नहीं, ये रिपोर्ट गलत है पंकज। आप कैसी बात कर रहे हो भैया, इतनी शर्मिंदगी वाली बात थोड़ी बताएंगे, वो भी भाभी के सामने।
हे भगवान, आप पंकज का वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा। माँ तो आप रोना बंद करो। अच्छा सुनो, मेरे पास एक आइडिया, आइडिया थोड़ा टेढ़ा है पर यही एक रास्ता है। क्या बेटा? राधिका बेटा जी, आज मैंने तेरे लिए खास पंडित जी से पूजा करवाई है, जैसे तेरी होद जल्दी से बढ़ जाए। ये ले प्रसाद खा बेटा। मैं तुझे बहुत परेशान करती हूँ ना? जी आप बहुत अच्छी हैं, ऐसा मत कहिए। काश मुझे हर जन्म में तेरी जैसी बहू मिले। भैया आप नहीं बन सकते, लेकिन मैं तो बन सकता हूँ ना। मतलब क्या है तेरा बेटा? मतलब मैं भाभी के साथ। तू पागल है क्या बेटा? तू अपनी भाभी के साथ ये सब कैसे कर सकता है? माँ आप ठंडे दिमाग से सोचिए, मेरे मन में कसम से कोई पाप नहीं, लेकिन भैया को बाप बनने के लिए इलाज की जरूरत है और हम छोटे शहर में रहते हैं। भैया अगर हॉस्पिटल में इलाज कराने जाएंगे ना तो बाहर आते ही सबको पता लग जाएगा, फिर मोहल्ले वाले सारे रिश्तेदार सभी उन्हें नपुंसक नामार्ड पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। माँ अगर बात आदमी की मर्दानगी पे आ जाए ना तो कुछ भी कर सकता कि जान भी दे सकता है। नहीं नहीं बेटा, मैं पंकज को कुछ नहीं होने दूंगी। बेटा मैं पंकज को कुछ नहीं होने दूंगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ माँ, अगर मैंने भाभी को प्रेग्नेंट कर दिया तो भैया सोचेंगे उनमें कोई कमी नहीं, डॉक्टर की रिपोर्ट में कोई गड़बड़ है, पर उनका हौसला भी बढ़ेगा। ठीक है तो मैं बेहोशी की दवा ले आऊंगी, बहू को खिला दूंगी। इस दिन का कब से इंतजार किया था भाभी, और देखो ये दिन आ ही गया। क्या हुआ बेटा, इतना गुस्से में क्यों है तू? सब ठीक है ना? नहीं कुछ ठीक नहीं, अभी फोन आया था, मुझे जो प्रमोशन मिलने वाला था वो नहीं मिला। क्या आपको नहीं मिला तो किसको मिला? पंकज यार तेरी वजह से मुझे नौकरी मिली और आज जब मेरी प्रमोशन होगी और मैं सीनियर मैनेजर बन गया तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं तेरा ही मुंह मीठा करवाऊंगा। मीठा छोड़ दिया मैं। अरे खा यार, तो खुशी का मौका है, थोड़ा तो खा। अगर तू नहीं होता ना तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। थैंक यू सो मच यार। आंटी जी आप सब भी हलवा खाइएगा, मैंने अपने हाथों से बनाया है। ठीक है चलो मैं अभी के लिए चलता हूँ यार, बॉस ने बहुत सारा काम दे रखा है। ठीक है चलिए बाय। क्यों गुस्सा कर रहा है तू इतना? जिस आदमी को मैं अपना असिस्टेंट बना के नीचा दिखाना चाहता था वो आज मेरा बॉस बन गया। गुस्सा ना करूं तो और क्या करूंगा?
नाराज मत होइए, हमें पूरा विश्वास है आपको जल्दी प्रमोशन मिल जाएगा। आप अपने काम में बहुत अच्छे हैं, आप में कोई कमी नहीं है। हाँ, कोई कमी नहीं, मर्द हूं मैं, मर्द। कबूल, आप सफाई कर रहे हैं? जी मुझे अपने घर की साफ सफाई करना बहुत पसंद है। नहीं बहुत दीदी जी, क्या बात है? ये तो बहुत अच्छी बात है, आप तो घर और ऑफिस दोनों ही बहुत अच्छी तरह से संभाल लेते हैं। वैसे आप काफी उदास से रहते हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए झूठ मत बोलिए, आपके घर पे जो झगड़ा होता है उसकी आवाज यहाँ तक आती है। वैसे एक बात पूछूं, जब आप इतना परेशान रहते हैं, इतना कुछ झेल ही रहे हो, तो डाइवोर्स क्यों नहीं ले लेते? ये तलाक वलाक शहर की औरतें लिया करती हैं, गांव की औरतें सिर्फ समझौते करती हैं। और अगर हम तलाक ले भी रहे तो जाएंगे कहाँ? हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। हमारे माँ बाप 5 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए। इन लोगों के अलावा मेरा कोई नहीं। मैं हूं ना। देखो बिना प्यार और इज्जत के कोई भी इंसान खुश नहीं रह सकता। खैर आपको अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप बेझिझक मुझसे कह सकते हैं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। बहू जी। माँ जी इतनी देर कर दी बेटा। माफ कीजिए, वो थोड़ा सा। कोई बात नहीं बेटा, ये लो प्रसाद लो। हाँ हाँ आले बेटा। मैं कमरे में जाके खा लूंगी। अच्छा ठीक है, तुम थक गई होगी ना, जाओ अपने कमरे में आराम करो। बेटा 10 मिनट के बाद तू उसके कमरे में जा और जल्दी से मुझे खुशखबरी दे। हाय भाभी, कल पूरी रात मैं आपके बारे में सोच रहा था। क्या करूं, अजीब सा नशा है आपके जिस्म में। ये तो रोहित का ब्रेसलेट है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रोहित ने मेरे साथ
कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? कहीं इस प्रसाद में ही तो कुछ। आज मैंने तेरे लिए खास पंडित जी से पूजा करवाई है, जैसे तेरी बोध जल्दी से बढ़ जाए। ये ले प्रसाद खा बेटा। पता तो करना पड़ेगा। अब तक मैंने तुम्हारी बदतमीजियां बहुत बर्दाश्त की, पर अब नहीं करूंगी। मैं तुम्हें लेके पुलिस स्टेशन जाऊंगी। क्या हुआ बहू? इसने मेरे साथ छेड़खानी की और इसीलिए मैं अब पुलिस स्टेशन जाऊंगी। बेटा मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, पुलिस के पास मत जा। रोहित ने जो कुछ भी किया ना, वो सब तेरी भलाई के लिए किया बेटा। क्या आप कहना क्या चाहती हैं मुझसे? वो पंकज बाप नहीं बन सकता ना बेटा, इसके लिए बच्चा पैदा करने के लिए सिर्फ ये एक ही रास्ता बचा था बेटा। आपको शर्म नहीं आ रही ऐसी बात बोलते हुए? अपने बेटे का डॉक्टर से इलाज करवाने की जगह आप मेरे साथ जबरदस्ती कर रही हैं। ये पाप है और मैं ये सब नहीं सहन करूंगी और इसके खिलाफ मैं पुलिस में केस करके रहूंगी। ये सब क्या हो रहा है? भाभी हम पर झूठा पुलिस केस करने की धमकी दे रही है। क्या? हाँ भाभी ने आपके फोन में डॉक्टर की रिपोर्ट देखी, मुझे यहाँ बुलाया, पास आकर बोली तुम्हारे भैया तो मुझे माँ बना नहीं सकते, माँ तुम बनाओगे मुझे। मैंने मना किया फिर बोली तुम्हारे खिलाफ झूठी कंप्लेन कर दूंगी। झूठ बोल रहा है ये। मम्मी जी ने मुझे बेहोश किया और मुझे और इसे मेरे पास भी ताकि ये मेरे साथ। खबरदार, अगर मेरी माँ पर ऐसा घिनौना इल्जाम लगाने की कोशिश की, तुम्हारे इन रोज रोज के नाटक से थक चुका हूँ मैं। जब से शादी हुई है मुझे पनौती लग गई है, किस्मत फूट गई है मेरी। अब तुम इस घर में नहीं रह सकती, निकलो यहाँ से। तो मेरी माँ झूठ बोल रही है, झूठा पुलिस केस करेगी मेरे परिवार पे। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मुझे घर से मत निकालो, मुझे घर से मत निकालो। मेरी बात तो सुनो, मुझे घर से मत निकालो। राधिका शांत हो जाओ प्लीज। पंकज से बोलो ना मुझे घर वापस ले ले, प्लीज बोलो ना मुझे। राधिका मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ, एक बार दोबारा सोचो, क्या तुम इस घर में दोबारा वापस जाना चाहती हो? मैं और कहाँ जाऊंगी, कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। मेरे साथ चलो। नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, लोग क्या कहेंगे? राधिका लोग क्या कहेंगे उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हें पड़ता है तो ठीक है। देखो मैं एक महिला हॉस्टल के बारे में जानता हूँ, मैं तुम्हारा वहां कुछ दिन रहने का इंतजाम करवा सकता हूँ। खाओ ना, आप भी लीजिए। शरबत पियो बेटा, शर्माओ मत, इसे अपना ही घर समझो। अगर तुम्हारा रिश्ता पहले आता ना तो मेरे पंकज को उस बांझ के साथ 3 साल बर्बाद नहीं होते। मतलब इनकी पहली बीवी
पांच थी और उसका चरित्र भी ठीक नहीं था। सब मोहल्ले के लड़कों को गंदे गंदे इशारे करती थी। हाँ भूल जाओ ना पुरानी बातों को, अब आगे बढ़ते हैं। बुआ मुझे ये लोग कुछ ठीक नहीं लग रहे, मैं इस पंकज से शादी नहीं करना चाहती। अरे शादी नहीं करेगी तो क्या जिंदगी भर मेरे सिले में डरेगी? इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, अनाथ है तू बिना दहेज का, समझी? तब मैं ये रिश्ता पक्का समझो। हाँ बिल्कुल ना। अनुज जी। अरे राधिका जी, वो हमारे बैंक में अकाउंटेंट की जॉब लग गई है, तो हमने सोचा कि सबसे पहले आपका मुंह मीठा करें। ये तो बहुत खुशी की बात है, आज मैं एक नहीं तीन तीन लड्डू खाऊंगा। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नहीं होते तो मैं वही पंकज के घर के बाहर बैठकर उसी नर्क में जाने के लिए गिड़गिड़ा रही होती। राधिका जी, आप यहाँ तक अपनी मेहनत से पहुंचे हैं और मुझे इस बात का गर्व है। आपने मुझे किसी काम के लिए बुलाया था ना? हाँ जी, आप बैठिए ना, बैठिए। दरअसल पंकज को पता चल गया कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, तो उसने मुझे ये डाइवोर्स पेपर्स आपको देने के लिए कहा है, और पंकज दूसरी शादी कर रहा है। जिंदगी कितनी अजीब होती है ना। आज से 2 महीने पहले मैं तलाक के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, और अब ये डिवोर्स पेपर साइन करके मुझे आजाद महसूस हो रहा है। थैंक यू। और अब इसी खुशी में एक बार और मुंह मीठा करिए। पता है राधिका, तुम मुझे पहली नजर में पसंद आ गई थी, फिर देखा कि तुम शादीशुदा, इसलिए मैंने कभी कुछ कहा नहीं। लेकिन अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो हम सिर्फ दोस्त बन के रहते। आप जैसा हीरा किस्मत वालों को ही मिलता है, और अगर मुझे मिला है तो मैं जाने नहीं दूंगी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आंखें खोलकर काम किया कर, इस नुकसान का पैसा तेरा मरा हुआ बाप देगा। जा जाकर कमरे की सफाई कर। ये मिठाई कहां से लाया? हाँ राधिका, भाभी प्रेग्नेंट है, और इसी खुशी में पूरे मोहल्ले में अनुज भैया मिठाइयां बांट रहे। धीरे बोल बेटा, काजल ने सुन लिया ना तो वो समझ जाएगी कि कमी राधिका में नहीं पंकज में है। गुस्से में उन्होंने सबको बता दिया तो? अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। राधिका के साथ तो अपना प्लान काम नहीं किया, लेकिन काजल को तुम्हें ही पेट से करना होगा। जा। क्या? हाँ हाँ बेटा। आपका प्लान मतलब राधिका सच बोल रही थी? आप दोनों ने मुझसे झूठ बोला,
बेटा मैंने जो भी किया ना हमारे परिवार के भलाई के लिए किया बेटा, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तेरा वंश आगे बढ़े, समझ मेरी बात बेटा। तो और क्या करते? अगर आपको पता चलता कि आपकी रिपोर्ट के बारे में हमें पता है, आप डिप्रेशन में आके कुछ उल्टा सीधा कर देते तो? ठीक है, लेकिन अगर एक बार काजल प्रेग्नेंट हो गई उसके बाद तू उसकी तरफ देखेगा? नहीं 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 देखेगा बेटा, नहीं देखेगा, नहीं नहीं। काजल ये लो, आज बहुत गर्मी है ना, इसलिए तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेके आया, पसंद है ना तुम्हें बहुत? हाँ थैंक यू, खा लो। हेलो न्यू भाभी। राधिका भाभी तो बड़ी कमाल थी, आवाज देखते हैं कि आप उनसे आगे हो या पीछे। काजल हमारा नाम राधिका है, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी। देखो मम्मी जी ने मुझे तुमसे बात करने से मना किया है। एक मिनट सुन तो लो, हम नहीं चाहते कि जो हमारे साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ भी हो। नहीं तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है ये लोग कितने गिरे हुए हैं। तुम बस अपना ध्यान रखो और किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमसे जरूर कहना। काजल बेटा ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तुझे कुछ गलतफहमी हुई है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। आप चुप ही रहिए, गलतफहमी मुझे नहीं आप सबको हुई है। आप लोगों को क्या लगा हा? इतना घटिया काम करके आप लोग बच जाओगे? किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, सबको जेल में भिजवाऊंगी। और तुम बहुत अच्छा हुआ कि तुम बाप नहीं बन पाए, तुम हो ही नहीं उस लायक, रहना ही नहीं है इस घर में। बहू सुन मेरी बात सुन बेटा, राधिका तेरी वजह से मुझे कल की आई हुई अनाथ लड़की क्या क्या बोल के चली गई। अगर मैं बाप नहीं बन पाया ना तो तू भी मां नहीं बन सकती। मैं तुझे मां नहीं बनने दूंगा, नहीं बनने दूंगा मैं। अनुज ने हमारी जिंदगी को कितना खास बना दिया है। आज हम उन्हें ऐसा सरप्राइज देंगे कि वो खुशी से पागल हो जाए। अनुज इतनी जल्दी कैसे आ गए? पंकज तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से तुम। हमने कहा जाओ, मुझसे तलाक क्या लिया?
बड़े पर निकल आए तेरे, बहुत उड़ रही है, ऐसे बात करेगी मुझसे, ऐसे बात करेगी? हमारा हाथ छोड़ो, हमें दर्द हो रहा है। और मेरे दर्द का क्या? वो काजल सबको बता देगी कि मैं बाप नहीं बन सकता हूँ। फिर मेरी इज्जत का क्या होगा? क्या होगा मेरी इज्जत का? कहा जाने भैरव? राधिका, राधिका, इन तीनों को ले चलिए। कहते हैं संतान का सुख दुनिया का सबसे बड़ा सुख होता है, और इसी की कमी होने की वजह से सुषमा अपनी बहू राधिका को बांझ समझकर उस पर तरह तरह के जुल्म कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि कमी उसके बेटे में है, तो इस बात को छुपाकर अपने बेटे की खोखली इज्जत को बचाने के लिए वो अपनी ही बहू का शारीरिक शोषण करवाने लगी। राधिका ने बहादुरी से आखिर में जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, इसीलिए जुर्म की पहली झलक में ही कदम उठाएं और पुलिस की मदद से ऐसे घटिया लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाएं। तो रहे खबरदार, बने होशियार। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम इशारा।